गुजरात राज्य के 70 जितने आईपीएस अधिकारियों की आज एक साथ की गई वैसी बदली और बढ़ती प्रक्रिया में वडोदरा के पुलिस कमिश्नर के तौर पर एक बार फिर जाबाज और बाहोस वैसे अनूप सिंह गहलोत को पुलिस कमिश्नर के तौर पर वडोदरा का सुकान लिया गया है, जबकि भरूच की एसपी वैसी डॉक्टर लीना पाटिल को वडोदरा जोन 3 डीसीपी के तौर पर नियुक्ति की गई है। राज्य में आज एक साथ 70 जितने आईपीएस अधिकारियों की बदली और बढ़ती प्रक्रिया में दो नाम वडोदरा को दोबारा से देते हुए वडोदरा को एक बार फिर फियरलेस अधिकारी की भेंट मिली है। वडोदरा शहर के नए पुलिस कमिश्नर के तौर पर एक बार फिर आईपीएस अनुपम सिंह गहलोत तथा भरूच एसपी के तौर पर फर्ज अदा कर चुकी तथा वडोदरा में भी पहले फर्ज अदा कर चुकी वैसी डॉक्टर लीना पाटिल को वडोदरा जोन 3 डीसीपी के तौर पर नियुक्ति की गई है, जिसमें वडोदरा को एक बार फिर अनुभवी आईपीएस अधिकारी के अनुभव का सीधा लाभ मिलेगा वैसा माना जा रहा है। तो वही आईपीएस जगदीश बांगरा को वडोदरा जेल के अधीक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है। वडोदरा शहर को एक बार फिर फियरलेस आईपीएस अधिकारियों की भेंट मिली है। हाल ही में राज्य के आईपीएस अधिकारियों की बदली में दो नाम बाहर आए थे, जिसमें वडोदरा शहर पुलिस कमिश्नर के तौर पर दोबारा से अनुपम सिंह गहलोत को नियुक्त किया गया, जबकि भरूच एसपी के तौर पर फर्ज अदा कर चुकी डॉक्टर लीना पाटिल को दोबारा से वडोदरा जोन 3 डीसीपी के तौर पर नियुक्ति की गई है। वडोदरा के एएसपी जगदीश बांगरवाना की जेल के सुपरिटेंडेंट के तौर पर नियुक्ति की गई है, जबकि वडोदरा रेलवे एसपी के तौर पर सरोज कुमारी को दोबारा से सुकानी दी गई है। उसी के साथ आईपीएस जयदीप सिंह जाडेजा को महिसागर जिला के एसपी के तौर पर नियुक्त किया गया है। ये बदली के पीछे फिलहाल एक ही कारण टॉक ऑफ द टाउन बना है। वडोदरा शहर में लंबे वक्त से बढ़े वैसे कौमी हिंसक हंगामे की घटना को रोकने के लिए पुलिस तंत्र सरासर निष्फल साबित हुआ था। ढेरों बार शहर में शांति का भंग भी हो चुका है, ऐसे में इसकी सरकार और गृह विभाग द्वारा भी गंभीर नोंद ली गई थी। आने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस कमिश्नर के तौर पर अनुपम सिंह गहलोत को कमान सौंपी गई है, जबकि वडोदरा के वर्तमान शहर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह की गांधीनगर स्थित लॉ एंड ऑर्डर के डीजीपी के तौर पर नियुक्ति की गई है।